मध्य प्रदेश में भाजपा के नेताओं पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। सावेर में मंत्री सिलावट की चुनावी मीटिंग में भाजपा के पूर्व मंत्री अध्यक्ष सोमेश्वर पटेल ने मध्य प्रदेश के पटवारियों को खुली धमकी दी। अच्छा, आप बोल रहे हो किसानों खुश है, बल्कि सावेर विधानसभा में कई ग्रामीण होनों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, बीमा नहीं मिला फसल? अरे अभी बीमे हुए हैं और पुराने बीमे बढ़ गए हैं, कौन सी नहीं बढ़ता? कई पुराने बीमे बढ़ गए हैं और अभी सर्वे हो गया, जरा ग्रामीण क्षेत्र में जाया करो। बहुत सारे ग्रामीण होनों में नहीं हुआ अभी तक, पटवारी ने गाँव तक गाँव भी नहीं देखा प्रॉपर। किसने? पटवारी उन्होंने तो जूते खाएंगे, कैसे नहीं आएंगे गाँव में? एक पटवारी गाँव में आते हैं। आपका परिचय? सोमेश्वर पटेल, पूर्व मंडी अध्यक्ष इंदौर, तीन बार। भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंडी अध्यक्ष सोमेश्वर पटेल मंत्री सिलावट की एक चुनावी मीटिंग में ये खुलेआम बोल रहे हैं कि पटवारी अगर सर्वे करने नहीं आएंगे तो जूते खाएंगे। ये खुले रूप से पटवारियों को चेतावनी है, पटवारियों को धमकी है कि अगर उन्होंने मंत्री सिलावट के नेताओं का या बीजेपी के नेताओं का नहीं सुना तो उनको जूते खाना पड़ेंगे। चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है और पटवारियों का अपमान है। जो पटवारी जो बारिश में, ठंड में, ओलावृष्टि में लगातार सर्वे कर किसानों को मुआवजा दिलाते हैं, मदद करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उनका इस तरीके से अपमान करना, उनको खुलेआम ये बोलना कि वो जूते खाएंगे, ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का अपमान है। कांग्रेस इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है और चुनाव आयोग को इस बारे में शिकायत की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक लोगों पर इस तरह से दबाव बनाकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए मध्य प्रदेश के सारे पटवारियों से।